कोम्बुचा अभी तक मैंने पिया नहीं। कल शाम को बात हो रहा था हमारे ग्रेट मेंटर जिनको दिखाए गए रास्ते पे हम चल रहे हैं, श्री प्रियरंजन कुमार जी के साथ बात हो रहा था। मैंने पूछा, सर आप तो पिए हैं, सिद्धिपेट आप गए थे और वहां जाके आप कोम्बुचा पिए थे हमारे ग्रेट लीडर प्रदीप जी ने, सारे लीडर्स वहां गए थे और कोम्बुचा पिए थे, तो ये क्या चीज है सर, उसका टेस्ट क्या है? तो उनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया, मैंने सुना और फिर कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और मैं चाहता हूं कि 8 तारीख को जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट जब आप पिएंगे, एक भरोसा के साथ पिएंगे और वो भरोसा आएगा नॉलेज से, ज्ञान से, जानकारी से। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया कल शाम के बाद, थोड़ा पढ़ाई किया, वही मैं शेयर कर रहा हूं। जो जानकारी मुझे मिला वो मैं बता रहा हूं, वो है कि ये जो कोम्बुचा, ये एक चाइनीज ड्रिंक है जो हमें कोई गंभीर बीमारियों से निजात दिलाता है। ये जादुई एक पेय है, नाम है कोम्बुचा, जिसका मतलब है अमरता की चाय या अनंत पेय। तो ये जो कोम्बुचा है ये 2000 साल का पुराना है। अब सोच सकते हैं 2000 साल पुराना, कितना पुराना एक पेय है। 221 ईसा पूर्व में चीन का एक राजवंश था, तब पता चलता है कि तब से ये पेय के हिसाब से ये चलता है। तो बताया गया है कि एक कोरिया का डॉक्टर जिनका नाम था कोम्बु, उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि ये कोम्बुचा जो है ये अगर आप पान करेंगे तो इससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। कुछ और लोग भी कहता है कि ये जो समुद्री पौधे होता है, जापानी में जिसको कोम्बु कहता है, तो उस कोम्बु से इसका नाम कोम्बुचा हुआ है। समय के साथ इस पेय का इर्द गिर्द कहानियां बनी और टूटी है, लेकिन रहस्य कभी पीछे नहीं छूटा। कोम्बुचा अब जीवन शैली में चलन में है, नाम के बावजूद इसके अवयव और निर्माण विधियों के बारे में अभी भी बहुत भ्रम है। क्या है चाय, मेरा भी ये प्रश्न था, क्या ये सोडा जैसा कोई है? जैसे हमारे लीडर्स पी रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये सोडा का एक विकल्प है, ऐसा मुझे लग रहा था। और कुछ कहीं भी पढ़ रहा था मैं, वहां बताया जा रहा था कि घर में जैसे बियर बनाया जाता है, ये बियर जैसा कुछ है। तो मैं सोच रहा था कि ये अब बियर का है, तब तो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, लेकिन ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बियर का अगर ये सब्स्टिट्यूट होता है तो वो तो आबगारी कानून वो तो छोड़ेगा नहीं, तो ये बियर भी नहीं है। तो क्या है ये? बताया जा रहा है कि ये ब्लैक टी या ग्रीन टी के साथ बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद इसको फर्मेंटेशन होता है और ये पेय जब है बनता है, और इसको प्रोबायोटिक कह जाता है।
अब मैं यहां थोड़ा रुकना चाहूंगा कि हमको ये जानना बहुत जरूरी है प्रोबायोटिक्स है क्या। थोड़ा जानकारी सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। हम तो अब तक एंटीबायोटिक हम सुनते थे, इस बारे में बहुत चर्चा भी करते थे, और कुछ लोग तो हमारे ऐसा है कि एंटीबायोटिक में के बारे में इतना जानकारी रखते हैं कि हम कुछ भी बताने के लिए जाते हैं तो वो सुना देते हैं कि भाई देखो मैं एंटीबायोटिक्स के बारे में इतना कुछ जानता हूं और मुझे जानकारी है, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, ये एंटीबायोटिक ही सब कुछ है, इससे ये दुनिया अब बच सकते हैं, अगर एंटीबायोटिक नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। बोलते नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ उनका तेवर कुछ ऐसा है। अब एंटीबायोटिक के बारे में मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। तो सिंपल भाषा में मैं आपको ये बता सकता हूं, एंटीबायोटिक वो चीज है कि हमारे बॉडी में जो अनुजीव होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो खराब बैक्टीरिया होता है, उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये सिंपल सा भाषा। इससे क्या होता है, जो नुकसानकारी जो अनुजीव होता है, बैक्टीरिया होता है, वो तो खत्म होता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो भला करने वाले जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होता है, गाट में होता है, उसको भी नष्ट कर देते हैं, इसे हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब ये होता है तब प्रोबायोटिक के बारे में लोगों को याद आता है। प्रोबायोटिक वो क्या है, प्रोबायोटिक है कि जो बैक्टीरिया को, अनुजीव को स्वस्थ रखता है, उसको बढ़ावा देता है, उसका फायदा करता है। और आप जानते हैं बहुत दिन पहले, लगभग एक साल पहले, रेजन सर का वो मीटिंग मुझे याद है जब उन्होंने कहा कि हमारे गाट में 1.5 किलो ये बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है, अगर वो जो चाहता है वो जैसे करता है हम भी वैसे करता है, हमारा आदत उसको हम डाल देते हैं, वो काम करने लगता है हम भी वही करने लगते हैं, अगर हम ये करें तो वो भी वो करेगा, अगर हम वो नहीं करें तो वो भी वो नहीं करेगा, उसका टाइम लगता है पर वही है हमारा सब कुछ। वो मीटिंग मुझे बहुत याद था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, आज भी मुझे डिटेल्स याद है, लेकिन डिटेल्स मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारा मीटिंग का सब्जेक्ट कुछ और है। तो प्रोबायोटिक के बारे में अब लोग सोचने लगे, क्या है प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक कुछ ऐसे चीज है जिसको हम फाइबर कहते हैं, जिसको हम कुछ एंजाइम कहते हैं, जिसको एक ऐसा पियो है, ऐसा खाना है जो बैक्टीरिया के लिए अच्छा या सही चीज साबित हो चुका है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आता है, जैसे कुछ जैसे दही के बारे में बताया जाता है कि दही जो है एक अच्छा प्रोबायोटिक है, लेकिन दही में कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए दही, कुछ लोग है दही खाने से उनका ठंडा लग जाता है, सर्दी लग जाता है, गले में गला बैठ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और कितने कितने प्रॉब्लम होता है वही लोग जानते हैं जो दही खाते हैं। मुझे तो ज्यादा खराब नहीं लगता है, मैं दही खाता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन लगातार दही नहीं, कोई नहीं खा सकता, दही गया। अब केला जो है वो भी अच्छा प्रोबायोटिक है, लहसुन जो है वो भी अच्छा प्रोबायोटिक है, इस तरह बहुत सारे खाना है जो प्राकृतिक रूप में हमको मिलता है, लेकिन कोई ऐसा पी नहीं है, ड्रिंक नहीं है, और इतना अच्छा पेय नहीं है, नहीं था हमारे पास कि वो हम ऐसे ही पी सकते हैं और हमारा
प्रोबायोटिक्स का जो कमियां है, जो बॉडी में जरूरत है वो पूरा हो सके। तो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो कम्बुचा, जो कम्बुचा अब डीएक्सएन लाए हैं, क्यों लाए गए, क्या है इसमें, क्या बोल रहे दुनिया, बाकी दुनिया। देखिए दुनिया जब कहते हैं ना तो वो ये जरूरी नहीं कि वो 100% सही है, पर 2000 साल से जो चीज चल रहा है इस बारे में तो दुनिया तो कुछ बोलेगा ना, कुछ बोलेगा। सिर्फ डीएक्सएन वाला नहीं बोलेगा, डीएक्सएन के अलावा भी जो लोग है जो डीएक्सएन में नहीं है, कितने सारे बुद्धिजीवी है, कितने सारे हेल्थ वर्कर है, ये लोग भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको जानने के बाद जब हम पहला शिप लेंगे, प्रेजेंस सर, प्रदीप जी ये सब तो ले चुके हैं लेकिन हम तो अभी नहीं लिए ना, तो जब पहला शिप हम लेंगे, पहला घोट जब हम पियेंगे तो कितना भरोसा से हम पी सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कम्बुचा के गुणों के बारे में। क्या करता है ये, सूजन कम करता है। सोचिए कम्बुचा पीने के बाद हमारा सूजन कम होने लगेगा, लीवर को स्वस्थ रखता है। लीवर के लिए और एक अच्छा प्रोडक्ट डीएक्सएन के झोली में आ गया, बैटलियन में एक आ गया, लीवर को स्वस्थ रखता है। तो नंबर वन हो गया क्या, सूजन कम करता है। अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, लीवर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। एक्चुअली होता क्या है, डीएक्सएन का जो भी प्रोडक्ट है बहुत सारे काम करता है, यही मेरा प्रश्न था। तो अचानक डीएक्सएन ये क्या किया, एक चाय लेके आए, चाय तो इतने सारे है हमारे झोला में, इतना सारे चाय है, फिर एक नया चाय क्यों, नया ड्रिंक क्यों, क्या है इसमें। डॉक्टर लिम तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं लाते हैं कि सिर्फ एक काम के लिए लाया गया है, एक पेस्ट 20 काम, ऐसा होता है ना, तो एक टूथपेस्ट भी 20 काम करता है, तो ये क्या करता है, डिप्रेशन। सोचिए एक बार, अब तक मैं क्या कहता था, मैं कहता था कि अगर कोई किसी का डिप्रेशन होता है तो हमको क्या दिया जाना चाहिए, हम देते थे अश्वगंधा, है ना, अश्वगंधा हम देते थे, अश्वगंधा के साथ क्या देते थे, फिर हम अश्वगंधा के साथ रोजिल भी जोड़ दिया, क्योंकि रोजिल जो है वो हमारा जो टॉक्सिन है वो निकलने के लिए मदद करता है, पेशाब बढ़ा देता है, और हमारा मल जो है वो भी बढ़ा देता है और स्मूथ होने के लिए काम करता है। अब देखिए एक नया पेय आ गया जो डिप्रेशन के ऊपर काम करता है, उदासी को दूर रखता है। अगर कभी आपका दुख होगा तो ये 105 रुपया वाला, ज्यादा दाम नहीं है इसका, 105 रुपया वाला एक बोतल आप खोल लीजिए और पी लीजिए, डिप्रेशन खत्म। आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन के ऊपर काम करता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, मेटाबॉलिज्म जिनका आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं कि जिनका भूख कम लगता है उनका मेटाबॉलिज्म कम है, जिनका भूख ज्यादा लगता है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जिनका ज्यादा है उनका मोटापा कम होता है। हाँ, मोटापा कम करने के लिए मेटाबॉलिज्म ज्यादा होना चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा है कि, लेकिन ये सही है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से जो हमारा चर्बी होता है वो जल्दी जल्दी बर्न होता है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, मतलब जो लोग कम्बुचा पियेंगे उनका बॉडी में एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो खत्म हो जाएगा, तो ये फायदा भी होता है। अब
लोग तो पूछते रहते हैं, पिछले एक मीटिंग में मैंने बताया था कि शुगर के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, शुगर के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है। तो देखिए शुगर के लिए ये कम्बुचा आ गया, शुगर का तकलीफ जिन लोगों का है, डायबिटीज का तकलीफ जिन लोगों का है, वो भी पी सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो पी सकते हैं, वो पीने से शुगर कम होता है ये बताया जा रहा है। तो शुगर के पेशेंट जो है वो भी ये कम्बुचा पी सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया अतिरिक्त चर्बी और वजन कम करता है, और उसका कारण क्या है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, ये भी एक पॉइंट है, अतिरिक्त चर्बी और वजन कम करता है। लेकिन वो क्यों, कैसे? वो मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। अब क्या होता है, और एक चीज देखिए, हम बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होना चाहिए, वो अगर ज्यादा खाएंगे ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, उनका वजन बढ़ेगा, उनका वजन बढ़ेगा, वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों को भी हम दे सकते हैं। अब आइए, जैसे हर प्रोडक्ट में डिएक्शन वाला क्या कहते हैं, डिएक्शन वाले बोलते हैं कि ये कैंसर के ऊपर भी काम करते हैं। हाँ, ये कम्बुचा कैंसर के खतरे से बचाता है, कम्बुचा कैंसर के खतरे से बचाता है। तो पहला सिप जब हम लेंगे तो हमको ये भरोसा भी होगा कि अब ये ड्रिंक बाकी जो ड्रिंक होता है वैसा नहीं है, बाकी जो ड्रिंक है वैसा नहीं है, ये जो पहला सिप मैं ले रहा हूं मुझसे कैंसर भाग रहा है। कहते हैं ना कि एक बार आपका जो ईश्वर का नाम लेते हैं, जो भी ईश्वर का भक्त है, जब हम आप नाम लेते हैं तो जितना खराब काम आपने किया, जितना पाप आपने किया, वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह डीएक्सएम का कोई भी प्रोडक्ट के साथ साथ आप कम्बुचाए जो आ रहे हैं, इसका पहला सीप जब आप लेंगे तो हमारा जो दुश्मन कैंसर वो हमसे दूर भागेगा। अब देखिए, जिससे मैं डरता हूं और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रचार मैं करता हूं कि आप रोजे लीजिए, रोजे लेने से आपका पेट ठीक से साफ होगा, आप वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन डबल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, इससे आपका पेट साफ होगा, वही काम ये कम्बुचाए भी करते हैं। तो ये लेने से कब्ज की जो समस्या होता है उसको भी दूर भगाता है। तो सोचिए एक बार, क्या चीज आया है हमारे हाथ में, आने वाले हैं 8 तारीख को। अब हार्ट के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है, हार्ट के लिए, हृदय स्वास्थ्य को मजबूत करता है, हार्ट का जो स्वास्थ्य है उसको भी मजबूती वो देता है। तो सोचिए एक बार, ऐसा एक प्रोडक्ट हमको सच में चाहिए था कि नहीं। मुझे आशा है कि हमको ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत बहुत फायदा करेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है देखिए, कुछ ऐसा चीज है कि कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है, लोग लेने में मजबूर हो जाते हैं, लोग लेने में मजबूर हो जाते हैं, लेना ही पड़ता है, लोग लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई साधारण बीमारी नहीं है, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, मुझे कोई एक्सीडेंट हो गया और मुझे अस्पताल जाना पड़ा, और वहां जाने के बाद ऑपरेशन हुआ, जहां जहां कट गया, फट गया, टूट गया, उसको सेट किया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको यहाँ 2-3 दिन और रहना पड़ेगा और घर जाके आपको 15 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अस्पताल में भी और जब आपका छुट्टी हो जाएगा तब आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ साथ एक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया
जाता है जिसमें लिखा रहता है कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम, और उसका एक कोर्स भी होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है और हमको करना पड़ता है। इस दौरान हम क्या करेंगे, करें तो क्या करें, हम एंटीबायोटिक तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है, क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं है, हमें उतना जानकारी नहीं है, हमको तो न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है और न्यूट्रिशन के बारे में ही लोगों को बताते हैं। डीएक्सएन कोई दवा नहीं बनाते हैं, डीएक्सएन जो भी बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा ग्रेट मेंटर, ग्रेट ग्रेट मेंटर रामाशीष गुप्ता जी कहते हैं कि डीएक्सएन कभी दवा नहीं बनाते हैं, दवा तो टॉक्सिन होता है, डीएक्सएन तो प्रोडक्ट बनाते हैं, और डीएक्सएन का प्रोडक्ट कभी टॉक्सिन नहीं होता है। उस दौरान जैसे मैंने किया था, आप भी जरूर कीजिएगा, अर्थात डॉक्टर का जो दवा हमको लेना पड़ता है उसके साथ साथ हमारा डीएक्सएन का प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, डीएक्सएन का प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मेरा पत्नी जब अस्पताल में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान मेरा बेटी मुझे बोल रही थी कि पिताजी डॉक्टर तो ऑपरेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका ये शिकायत है, वो शिकायत है, प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, शुगर तो नहीं था, आज भी नहीं है, पर प्रेशर के बहुत प्रॉब्लम था, और भी कुछ प्रॉब्लम था। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, डॉक्टर के दवा के साथ साथ आरजीजीएल और साथ में हमारा स्पिरुलिना ये भी देते रहो, और ये छुपा के दिया जा सकता है। वो पूछ रही थी अगर डॉक्टर को जानकारी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर जानेंगे कैसे, तुम तो माँ को कितने कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसी तरह जब डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर तो हर वक्त नहीं रहते हैं, तुम ये आरजीजीएल और स्पिरुलिना देते रहो। और जब देना शुरू किया, वो 3 दिन में उनका जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो गया, और फिर उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद तो तुरंत आईसीयू में डाला गया था, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 6 बोतल खून लगा था। सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन था, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, और वो अभी भी जीवित है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके साथ साथ उनका जीवित रहने का कारण डीएक्सएन का ये सारे प्रोडक्ट जिसमें बहुत सारे फाइबर है, न्यूट्रिशन है और प्रोबायोटिक्स भी है। लेकिन प्रोबायोटिक नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं था। अब वो कमी पूरा होने वाले हैं, कंबू चाय के रूप में। तो मुझे तो लगता है कि इतना कुछ सुनने के बाद गर्भ से हमारा जो सीना है, जो छाती है, और चौड़ा हो जाएगा, और हम जब लोगों से बात करेंगे, जबरदस्त बात करेंगे, और वो बात ये होगा कि आप चिंता मत कीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के साथ साथ आप कम्बू चाय पीते रहिए, और उससे जो नुकसान होता है, वहां जो एंटीबायोटिक देने के कारण जो नुकसान होता है, उससे बचने के लिए पहले इतना बढ़िया प्रोबायोटिक हमारे हाथ में नहीं था। अब हमारे पास ये है, दीदी तुम ये ले लो, तुम्हारे बच्चों को ये दो, या खुद तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा पति का प्रॉब्लम है तो ये दे दो, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और यही भरोसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया रहता है ना, ये बैक्टीरिया ही सब कुछ है। हमारे बैक्टीरिया में, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारा दुश्मन नहीं होता है। अगर दुश्मन भी दोस्तों के अंदर आ जाता है ना, वो दुश्मनी करने से डरता है, ऐसा होता है ना, दुश्मन भी दोस्तों के अंदर आ जाता है, वो दुश्मनी करने से
डरता है। थोड़ी देर पहले जो दुश्मन हमारे बॉडी में घुस गया एक्सीडेंट के दौरान, वो जब यहाँ आ गया, वो देखा कि अरे भाई, पहले से ही मेरा बिरादरी का बहुत सारे लोग है जो इस बॉडी को बचाने में लगे हैं। पहले से इस बॉडी में हमारे बिरादरी का जो लोग है और भी बैक्टीरिया है, वो इस बॉडी को बचाने में लगे रहे हैं। अगर हम दुश्मनी करेंगे तो वो मुझे मार डालेगा। हाँ, ऐसा ही होता है। और सोचिए तो कि पहले से कुछ दोस्त है और फिर दुश्मन घुस गया और फिर ऊपर से हम कम्बू चाय पी लिया और वो भी दोस्त ही है, वो बॉडी को बचाने के लिए काम करता है, और बीच में एक सैंडविच बन के रह जाएगा। एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा। घर में छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है, जो भी दिक्कतें आता है, तो उससे हम खुद को बचा सकते हैं। हमारे डीएक्सएन का हर प्रोडक्ट के सहयोग से, और साथ में ये कम्बुचा अब आ गया है, 8 तारीख को हमारे हाथ में आ जाएगा, हमको मिल जाएगा, और फिर हमारा बिजनेस और भी बढ़ेगा और मुझे